सत्यकाल आदाब से कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। इस पेज में हम आपसे हर दिन मिलेंगे। मैं हर दिन की बातचीत आपसे करूंगी, नए नए मुद्दों पर बातचीत भी करूंगी और मैं क्या करती हूं, कैसे करती हूं वो भी आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मेरे बगल में आपको दिख रहे होंगे मेरे कैमरा पर्सन, ही इज वेरी सीनियर। इनका नाम है नूर आलम अंसारी। जी, नूर आलम अंसारी। तो बिकॉज ऑफ COVID-19 हमने प्रिकॉशंस के तौर पर सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है अच्छी तरीके से और मास्क भी है हमारे पास और इनका कैमरा है ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी शूट करके आए हैं और कटिंग चाय ऑब्वियसली शूट करके आए हैं और कटिंग चाय शूट करने के बाद ना, मैं सच बता रही हूँ, हम लोगों की ऐसी हालत हो जाती है कि हम सोचते हैं कि बस अब किस तरीके से ऑफिस जाएं। ये पसीना भी दिखा रहा है, बताइए क्या बोलेंगे आप लोग? सोचते हैं कि बड़ा आसान सा शो है, क्या करना है, कैमरा उठाया, यूनिट उठाई, अरे पहुँच गए, क्या बोलेंगे आप? कुछ तो बोलिए प्रज्ञा। हम लोग किसी भी चीज को बड़ा आसान समझते हैं, जबकि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये तो एक टीम वर्क ही करने वाले जानते हैं। जैसे कि आप जब निकलते हो फील्ड में, जिस स्टोरी पे आपको जो दिया जाता है, जिसकी आपको रिसर्च करनी होती है, उसमें आपका कम से कम 2 दिन का समय लगता है। उस पर आप स्टोरी लिखते हो, आप रिसर्च करते हो, फिर ये कहाँ पे करना होगा, क्या लोकेशन होगी, कौन लोग होंगे, किससे क्या क्वेश्चन करना होगा। ये प्रज्ञा आप जब जमीन से जुड़ते हो ना, मतलब जमीन से निकाल के आप लाते हो ना, वो हर आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं जो करती हूँ वो तो अलग बात है, वो हालांकि मुश्किल है वो भी, लेकिन जो आप लोग करते हैं वो मैं आपके साथ तमाम कैमरामैन को सलाम करना चाहती हूँ, ग्रैंड सल्यूट देना चाहती हूँ, क्योंकि इस कोरोना काल में ऐसी महामारी के वक्त पर वो लोग ग्राउंड पर हैं, हमारे जैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी फैमिली है, आप मेरी, मैं तो लोगों के बीच में जाती हूँ लेकिन मैं फिर भी सेफ रहती हूँ, लेकिन आप लोग तो मतलब दिल से सल्यूट है, आपको दिल से सल्यूट है। कितना मुश्किल होता है, इतना भारी। अब एक बार कैमरा दिखा दीजिए, हम घंटों शूट करते हैं और ये इतना हैवी कैमरा है इनके पास। कौन सा कैमरा है, जरा कैमरे की डिटेल बताइए इन लोगों को। ये NX5 है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, वेट अ मिनट, मैं आपको जरूर बताती हूँ। लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं, तो प्लीज कैमरे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ। जो हम इस समय अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि हम अपनी डिटेल्स कंपनी की नहीं शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे पास हैं कैमरे अच्छे अच्छे से क्वालिटी से। अब NX तो हमने इसलिए नॉर्मली आपको बता दिया जो आज हम लेके गए। अच्छा। हम आपके बहुत सारे कैमरे हैं, D35 है। अच्छा, शूट करने के लिए, नॉर्मल शूटिंग करने के लिए, जैसे पब्लिक शूट्स मैं करती हूँ, ऐसे करने के लिए किस तरह का कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए? इजीली आजकल तो बहुत ही मार्केट में कैमरे बहुत अच्छे से आ गए हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ। जो कि नॉर्मली कम कॉस्ट की भी है, लेकिन अब क्या है कि वो जमाना नहीं रहा कि जो बहुत बड़े कैमरे लेके हम चलते थे। हाँ, अच्छा, इसको लेके अच्छा, इसका थोड़ा उसके बारे में बताएगा। ऊपर चलते चलते, हालांकि अपने हम कार्यालय पहुंच चुके हैं, हमारे ऑफिस है हजरतगंज हलवासिया कोर्ट 5th फ्लोर पे, वहाँ पहुंच चुके हैं। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना दहेज है, सब कुछ रख रहे हैं। ये मेरी रोजी रोटी है। हाँ। इसी के दम पे हम हैं, हमारी पहचान इससे है, हम इसके बगैर कुछ नहीं है। हम अपने आप को बहुत बड़ा कैमरामैन समझते हूँ और कुछ भी समझे, लेकिन ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल लोग थोड़ा बहुत सीखने के बाद अपने आप को तोपची, अगर यूपी की लैंग्वेज में बात करें तो तोपची समझ लेते हैं, बट अगर वो सीखना बंद कर दे, या हम आप में से कोई भी अगर सीखना बंद कर देते हैं, तो शायद हम वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। हमारा स्ट्रगल ख़त्म तो हम ख़त्म, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ये आप प्लीज पकड़ लीजिए। ये हमारे पायलट है, हमारे साथ चलते हैं शूट पर अक्सर, इनका नाम है अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अब्दुल भाई, कैसे कैसे चलती है शूटिंग के बारे में थोड़ा जल्दी से बता दीजिए लोगों को। हाँ, ठीक चलती है शूटिंग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कभी कभी खतरे भी हो जाते हैं? जी हाँ, खतरे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो खतरों से डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। प्रज्ञा जी से निकलती है तो लोग सोचते होंगे प्रज्ञा जी हमेशा खतरों में डाल देती है, बताइए। नहीं, कोई डर नहीं। मेरे बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही है। मैं कैसी हूँ अब्दुल जी? ठीक है आप? अच्छा, अब्दुल जी जो है कम बातचीत करते हैं, इसीलिए थोड़ा कम बोल रहे हैं। तो मैं अपने साथ अखबार हमेशा रखती हूँ, इस वक्त पर अमर उजाला, तो रास्ते का जो सफ़र है उसको तय करने के लिए मैं अमर उजाला या जो भी मुझे न्यूज़पेपर मिल जाता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। हालांकि न्यूज़पेपर सब है सुबह ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ती भी हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ूँ। तो ये मेरा आउच थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी क्योंकि मेरा माइक जो है वो गिर गया था। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से
ओके अब्दुल भैया बाय बाय। अब मैं थोड़ा सा फंस सी गई हूँ, आप देख सकते हैं बैग मेरे हाथों में है, न्यूज़पेपर है। मैं अपने कैमरामैन से बोलती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वेट वेट वेट, ये हम अपने ऑफिस की तरफ आ गए हैं, हज़रतगंज हलवा यूपी टेलीविजन। ओके तो वेट वेट वेट, ये है, ये हमें ऑफिस पहुँचने के दौरान मिलते हैं। नमस्कार दिए लोगों को, नमस्कार। तो आप क्या हमें टेम्परेचर लेंगे? जल्दी से ले लीजिए। ओके तो टेम्परेचर हो गया, क्योंकि कोविड से बचता है, हम लिफ्ट में आ गए हैं। हाँ, कितना हड़बड़ी में हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा मैं थोड़ा फंस सी गई हूँ, आप देख रहे हो मुझे, मैंने फंसा लिया है माइक। ये माइक जो है मुझे ऐसे निकालना होगा, और वहाँ पहुँच के निकालना। हाँ जी हाँ जी, तो लिफ्ट में नहीं निकाला। तुमने इतना ले रखा है अपने हाथों में। हाँ ऑब्वियसली, क्या करे, ये मजबूरी है, मजबूरी नहीं मेरा काम है। हम लोग हर सामान लेके चलते हैं अपने साथ, कब भी किसी टाइम भी कोई चीज की जरूरत पड़ सकती है। जी तो हम लोग पहुंच गए हैं हमारे ऑफिस। ये है हमारे ऑफिस में टनल, सैनिटाइजर टनल, जिसमें हम जाकर के अपने आप को कोविड-19 के तरीके से जाते हैं।